कहा केस के फैसले की तारीख का ऐलान होते ही सियासी इजलासों का दौर चल निकला। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें वुज़रा, आईनी और कानूनी टीम ने शिरकत की और पनामा के फैसले की बाद की सूरत हाल पर गौर किया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने दो टोक फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया उस पर मनो अन अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहकीकात पनामा केस में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ की जाएंगी। इजलास में फैसला किया गया कि अगर अदालत ने चेयरमैन नैब के हवाले से कोई हुक्म दिया तो उस सूरत में कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा और नए चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए आईनी तरीकाकार पर अमल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नून लीग के मशावरती इजलास में नए वज़ीर-ए-आज़म के ऑप्शन पर कोई गौर नहीं किया गया। फैसला किया गया कि तहकीकाती कमीशन या किसी भी अदारे से तहकीकात के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। बहजाद सलीमी, न्यूज़ वन, इस्लामाबाद।